हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में हम आज बात करेंगे तेईस सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में कल दो प्रश्न हमने पूछे थे कि मध्य प्रदेश में लौह अयस को उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा जिला है ठीक है दूसरा जो प्रश्न था मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर निम्नलिखित में से कौन सा है तो ये दो प्रश्नों के जवाब प्रतिभा श्रीवास्तव ने दिया है अच्छा जवाब दिया है लोह अयस को उत्पादित करने वाला जो प्रमुख जिला है वो बालाघाट है बालाघाट में लोहे का दो टन मिलियन भंडार है जो देश का इकतालीस दशमलव तीन छह प्रतिशत है ठीक है दूसरी चीज मध्य प्रदेश में लोहे आयस का एक हजार तैतालीस हजार मेट्रिक टन उत्पादन किया जाता है मध्य प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि दृष्टि से भारत के आठ संपन्न राज्यों में से एक है लोहे से संबंधित तो कुछ फैक्ट्स की बात करें तो लोहे का जो अयस्क है वो मैग्नेटाइट हेमेटाइट लिमोनाइट सीडराइट आदि रूपों में ये पाया जाता है इसमें से अगर हम बात करें तो मैग्नेटाइट जो होता है आपका मैग्नेटाइट सबसे सबसे उत्कृष्ट कोटि का आपका जो लोहा है वो होता है मतलब लोह अयस्क होता है ठीक है जबकि इसमें से अगर सिडेराइट की बात करें तो सिडेराइट आपका सबसे निम्न कोटि का अयस्क होता है अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में लगभग सत्तर प्रतिशत जो लोहा पाया जाता है वो आपका हेमेटाइट अयस्क ही होता है मतलब लोहा अयस्क हेमेटाइट प्रकार का पाया जाता है और हेमेटाइट को प्राकृतिक अयस्क कहा जाता है लोहे के प्रकार की बात करें तो लोहे में कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है इस कारण यह भंगुर होता है ये ढलवा लोहा ठीक है ढलवा लोहा या कच्चा लोहा इसमें कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है पिटवा लोहा की बात करें, तो लो का सबसे शुद्ध रूप होता है इसमें कार्बन पॉइंट से तक पाया जाता है स्टील इस या इस्पात इसमें वन पॉइंट सेवन परसेंट तक होता है लोहा व कार्बन की मिश्र धातु होती है भारत का लोह अयस्क का मतलब अगर बात करें तो विश्व में चौथा स्थान है पहले स्थान पर चीन है दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया है तीसरे पे है आपका ब्राजील एक और चीज हम आपको बता दें कि अगर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर जो प्रश्न है वो मध्य प्रदेश के प्रपेक्ष में पूछा गया है तो आपका एक आ, मतलब मध्य प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट्स बताना भी जरूरी है मध्य प्रदेश में अगर टोटल बात करें तो करीब पॉइंट नाइन नाइन प्रतिशत लोह एस्क के भंडार पाए जाते हैं ठीक है ये चीज ध्यान रखिए पॉइंट नाइन नाइन प्रतिशत भंडार जो है वो लोहे अयस्क का है देश के कुल लौह अयस्क के उत्पादन में अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो प्रतिशत है वो है एक दशमलव तीन, तीन तीन प्रतिशत ठीक है ये चीज आपको याद रखनी है यहां पे हम बात कर रहे हैं उत्पादन की ठीक है जबकि उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा लगभग इक्यावन प्रतिशत के साथ साथ पहले स्थान पर है ठीक है ये आपको पता होना जरूरी है दूसरी चीज अगर हम 2017-18 के आंकड़ों की बात करें तो अभी लेटेस्ट आंकड़ा यही है 2017 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार मतलब मध्य प्रदेश में करीब 26.79 लाख टन लौह अयस्क का उत्पादन किया गया है ठीक है तो ये ध्यान रखिए आप इतना मतलब लाख टन लौह अयस्क का उत्पादन अभी किया गया है दूसरा प्रश्न था तो उसका आंसर है मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो नगर है वो इंदौर है जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार है इसकी 24 लाख के समथिंग भारत की कुल जनसंख्या सात प्रतिशत मध्य प्रदेश में है आ, 2011 की जनगणना मध्य प्रदेश की छठवीं जनगणना थी जनगणना के महानिदेशक सचिन सिन्हा थे मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7.25 करोड़ है जो ब्रिटेन देश के बराबर है लगभग बराबर है हालांकि डिफरेंस अच्छा खासा है जनगणना से संबंधित मुख्य तथ्यों की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन नहीं नहीं ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य नहीं करता है ठीक है जो स्टेट डिपार्टमेंट होता है उसके अधीन पूरा कार्य करता है 2011 की जनगणना भारत की पंद्रहवीं जनगणना थी तथा स्वतंत्र भारत की सातवीं जनगणना थी भारत में जनगणना की शुरुआत अठारह में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुई थी अठारह से इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई थी भारत की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की तथा न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम राज्य की है वर्तमान भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली हैं ठीक है तो ये पूरे इफेक्ट होने आएंगे जनगणना से संबंधित आज के लिए आपके प्रश्न है मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहां स्थित है एक प्रश्न आपको ये बताना है दूसरा है मध्य प्रदेश में मैंगनीच उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है ये दो प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट करके बताना है आउटलुक हमारा जुलाई तक का अवेलेबल है सिक्सथ मंथ एडिशन भी अवेलेबल है जनवरी से लेकर जून अगर आप लेना चाहें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मंथली लेना चाहें मंथली भी ले सकते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके इसकी लिंक हमसे ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं ये भी एम पी आपका अवेलेबल है ठीक है इसके अलावा साइंस के नोट्स भी मिल जाएंगे आपको ठीक है एन की समरी है एन का एक चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है काफी चीजें आपको आज के वीडियो में मिलने वाली महत्वपूर्ण है थोड़ी सी भाषा आपको अलग मिलेगी लेकिन चीजों को समझना बहुत जरूरी है पहला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश में कितने स्व सहायता समूहों का गठन किया गया है तो इसका जो आंसर है वो है तीन लाख से अधिक मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत तैतालीस हजार से अधिक ग्रामों में तेतालीस हजार से अधिक ग्रामों में तीन लाख से अधिक स्वसहायता समूहों का गठन किया गया है इन समूहों से तैतीस लाख छियानवे हजार परिवार जुड़ चुके हैं ठीक है समूहों को रोजगार की विभिन्न गतिविधियों का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है प्रदेश के ग्यारह लाख चौवन हजार से अधिक परिवारों को कृषि एवं पशुपालन गतिविधियों से जोड़ा गया है तीन लाख उनहत्तर हजार से अधिक परिवारों को सूक्ष्म गतिविधियों से भी जोड़ा गया है ठीक है इसके अलावा हम बात कर लेते तो थोड़ी सी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में हालांकि अलग अलग स्टेट में भी ये ग्रामीण आजीविका मिशन चलता है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है हमारा उसका उद्देश्य है ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनकी गरीबी दूर करना ठीक है हालांकि ये गरीबी आज तक दूर नहीं हो पाई है और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है इसने जून 2021 में आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ठीक है एन आर एल एम ठीक है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इसकी शुरुआत की थी ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है ये आजीविका एनआरएलएम का, का मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को सक्षम बनाना और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान करके उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि करना वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुंच बनाना और उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाना ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। यानी कुल मिला गरीबों की गांव में रहने वाले जो गरीब हैं उनकी आय को बढ़ाना उनको मुख्य धारा में शामिल करना ठीक है तो ये इनका प्रमुख उद्देश्य है और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है आपका वर्ल्ड बैंक से आर्थिक सहायता मतलब इसकी जो फंडिंग है वो वर्ल्ड बैंक से होती है अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक तथा मध्य प्रदेश साहूकार संशोधन विधेयक 2020 पारित किए गए हैं तो ये पारित किए गए हैं 21 सितंबर 2020 को विधानसभा का सत्र था 21 सितंबर 2020 को जिसमें ये दोनों विधेयक मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक और मध्य प्रदेश शाहूकार संशोधन विधेयक 2020 पारित किए गए अब हम वन बन बाय वन इनके बारे में बात कर लें तो सबसे पहले हम साहूकार संशोधन विधेयक के बारे में बात करते हैं कोई भी साहूकार राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की गई दर से अधिक ब्याज प्रभारित नहीं करेगा यानी राज्य सरकार ने जो ब्याज की दरें निर्धारित की हैं ठीक है उनसे ज्यादा ब्याज नहीं लेगा अरजिस्ट्रीकृत यानी कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है ऐसे साहूकार द्वारा किसी व्यक्ति को अग्रिम दिया गया कोई उधार विधि के किसी न्यायालय में तब तक वसूल नहीं हो सकेगा जब तक कि बाद दायर किए जाने के समय साहूकार प्रभावी रजिस्ट्रीकरण नहीं रखता हो यानी कि अगर उसने वो एक रजिस्ट्रीकृत साहूकार नहीं यानी कि उसका अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो किसी को कितना भी उधार दे दे वो वैलिड नहीं माना जाएगा वो अगर किसी न्यायालय में जाके केस करता है कि भैया ये फला व्यक्ति हमारा पैसा वापस नहीं कर रहा है तो विधि के किसी भी न्यायालय में वो पैसा वसूल नहीं किया जा सकता जब तक कि उसका रजिस्ट्रीकरण नहीं हो ठीक है तो ये सीधी सीधी सी बात है घुमा फिरा के आज रज, आरजिस्टीकृत साहूकार द्वारा दिए गए जो ऋण है वो शून्य हो जाएंगे ठीक है दूसरा है मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक थोड़ी भाषा क्लिष्ट है बट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा अनुसूचित क्षेत्रों में निवास कर रहे पहली इंपॉर्टेंट लाइन है अनुसूचित क्षेत्रों में निवास कर रहे अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन है 15 अगस्त 2020 तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है तक दिया गया प्रत्येक ऋण जिसमें ब्याज की रकम यदि कोई हो भी सम्मिलित है यानी मैंने किसी को दस हजार रुपए उधार दिए और मैंने उससे कहा कि पर्टिकुलर में एक अमाउंट तुमसे कुछ परसेंट पे लेता हूं सपोज वो अमाउंट है एक हजार रुपए उससे एक महीने का ब्याज ले रहा हूं मतलब इस महीने वो मुझे कितने रुपए देगा इस महीने वो ग्यारह हजार रुपए देता है तो ऐसे केस में जब अनुसूचित क्षेत्रों में वो कर रहा हो अनुसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति हो और पंद्रह अगस्त दो से पहले ऋण दिया हो ठीक है तो ये जो रकम है ये पूरे तरीके से क्या हो जाएगी शून्य हो जाएगी ठीक है जो अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा किसी लेनदान का हो हो गया समझा जाएगा यानी यह मान लिया जाएगा 15 अगस्त 2020 से पहले तक कि भैया ये ऋण अब चुक चुका है चाहे उसने आपको चुकाया हो चाहे आपने उसको नहीं चुकाया हो यह इस विधेयक की सबसे खास चीज है दूसरे ऋण की वसूली के समस्त बाद तथा तो कार्यवाही का जो ऋणी के विरुद्ध लंबित हो उपशमन हो जाएगा उपशमन हो जाएगा मतलब वैसे हिंदी वर्ड अगर देखें तो उपशमन का मतलब होता है शांत होना ठीक है मतलब क्या हो जाएगा इस तरीके से समाप्त हो जाएगा ठीक है तो ऋण की वसूली के समस्त वादे जैसे कई बार लोग क्या करते हैं कि भाई ये कंडीशन है इन इन कंडीशन पे हम आपको पैसा दे रहे हैं ठीक है तो चाहे वो वादे हों चाहे वो कार्यवाही हो सब क्या हो जाएंगी खत्म हो जाएंगी ऋणी द्वारा गिरवी रखी गई प्रत्येक संपत्ति ऋणी के पक्ष में निर्मुक्त हो जाएगी निर्मुक्त हो जाएगी यानी कि क्या हो जाएगी फ्री हो जाएगी वो जिस साहुकार जो है वो जो साहूकार है उस संपत्ति को अब नहीं रख पाएगा उसको वापस लौटानी ही होगी ठीक है लेनदार इस बात के लिए अबद्ध होगा कि उस ऋणी को वह संपत्ति तत्काल वापस कर दे ठीक है किसी ऋणी द्वारा किसी लेनदार के लेनदार के पक्ष में निष्पादित किए गए प्रत्येक बंधक का हो जाएगा जो भी चीज बंधक बना रखी है यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जमीन है या कोई सोना है या कोई भी चीज है ठीक है तथा बंधक संपत्ति ऐसे ऋणी के पक्ष में निर्मुक्त कर दी जाएगी ऑटोमेटिक विधेयक आने के बाद वो फ्री हो चुकी है कोई भी लेनदार किसी ऋणी को उसके द्वारा गिरवीय बंधक रखी गई उस का कब्जा वापस करने या पुनः परिदत्त करने से इंकार नहीं करेगा ठीक है जो ऐसे रेडी के पक्ष में अधिनियम के अधिक अधीन निर्मुक्त हो गई तो ऑटोमेटिक हो गई है अब वो उसको गिरवी नहीं रख सकता उसको उसकी संपत्ति वापस करनी करनी ही होगी ये प्रमुख पॉइंट इसके हो जाएंगे अब आता है, जो सबसे है जहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है जो इन नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके साथ क्या होगा उसको कारावास होगा जेल होगी उसको कितने वर्ष तक तीन वर्ष तक का कारावास उसको हो सकता है या फिर उसके ऊपर जुर्माना लग सकता है जो एक लाख रुपए तक है या फिर ये दोनों चीजें एक साथ भी हो सकती हैं कि ये डिपेंड करता है कितना ऋण है वो उसको कितना परेशान कर रहा है ठीक है है इसके ऊपर रहता कि उसको कितने साल की सजा होगी और कितना जो जुर्माना है वो उसके ऊपर लग सकता है तो मैक्सिमम लिमिट क्या है तीन साल की जेल और एक लाख रुपए का जुर्माना इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए जिलों में कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी के हों प्राधिकृत किए जा सकेंगे मतलब ये मुद्दा जो है ये सुलझाएगा कौन ये कलेक्टर सुलझाएगा या उसका प्रतिनिधि सुलझाएगा कलेक्टर अगर वहां पर नहीं है तो डिप्टी कलेक्टर के अनिम्न श्रेणी के हों उनको प्राधिकृत किया जाएगा किसी भी सिविल न्यायालय को एक्सीडेंट के संबंध में किसी भी प्रश्न को ग्रहण करने या विश्चित करने की अधिकारता नहीं होगी यानी कि सिविल न्यायालय जो सिविल कोर्ट्स होते हैं सिविल कोर्ट्स इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते क्योंकि अब विधेयक बन गया है कानून ये बन गया है ठीक है तो ये आ, सारी चीजें इससे संबंधित आपकी हो जाएंगी इसके अलावा एक और विधेयक जो है वो संशोधन किया गया है ये इसका तीसरा संशोधन है अचल अच्छा संपत्ति के दान विक्रय पर तीन प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त स्टम शुल्क नहीं लगेगा राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किए गए अन्य विधेयक मध्य नगर पालिक विधि तृतीय संशोधन विधेयक 2020 के अनुसार मध्य नगर पालिक निगम और नगर पालिका की सीमाओं के अंतर्गत स्थित अचल संपत्ति के दान या विक्रय आदि से संबंधित लिखतों पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क तीन प्रतिशत से अधिक प्रभारी नहीं होगा यानी कि जो स्टाम्प ड्यूटी है वो स्टाम्प ड्यूटी तीन परसेंट से ज्यादा नहीं होगी ठीक है तो ये के संशोधन इसके अंदर किया गया है अगला प्रश्न है जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत अगले चार साल में कितनी राशि खर्च कर आवश्यक नेटवर्क विकसित किया जाएगा तो ये जो राशि है अगले चार साल में एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी ठीक है सात हजार चार सौ चालीस करोड़ रुपए अगले चार अगले चार साल में एक आवश्यक नेटवर्क विकसित करने के लिए खर्च किए जाएंगे इस योजना के तहत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद योजना प्रारंभ की गई है हालांकि इसकी डेट जो है वो कंफर्म नहीं हो पाई है ठीक है लेकिन हो गई है भैया अब शुरुआत कर दी गई है इसमें प्रत्येक जिले के एक उत्पाद को बढ़ावा देकर व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा इसका फायदा क्या होगा उसको एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी राष्ट्रीय स्तर पर तो पहचान मिलेगी ही ठीक है जैसे रतलाम का जो सेव है अभी मान लीजिए अभी ये कहां पर फेमस है केवल अभी ये फेमस है केवल रतलाम या मध्य प्रदेश में लेकिन जब इसको हम एक जिला एक उत्पाद के फॉर्म में लेके आएंगे कि भाई रतलाम यानी कि रतलाम काय के लिए जाना जाता है रतलाम जाना जाता है सेव के लिए रतलामी सेव के लिए ठीक है तो फिर ऑल इंडिया पे उसको एक पहचान मिल जाएगी जिलों में पैदा होने वाली फल सब्जी फसलों की ग्रेडिंग पैकिंग तथा बेहतर मार्केटिंग के लिए अगले चार साल में सात हजार चार सौ चालीस करोड़ रुपए खर्च कर आवश्यक नेटवर्क जो है वो विकसित किया जाएगा ठीक है ये महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए ठीक है अगला अगला जो प्रश्न है उसमें देखिए जो वन प्रोडक्ट है उसके अंतर्गत किस जिले में क्या आ, मतलब विशेषता जो है उसकी बनाई जाएगी तो जो पैसा खर्च किया जाएगा वो किस तरीके से खर्च किया जाएगा इसमें देखिए आगर मालवा और राजगढ़ में संतरा की ब्रांडिंग की जाएगी अलीराजपुर में सफेद मूसली अनूपपुर बालाघाट सीधी उमरिया में आम अशोकनगर गुना में धनिया बड़वानी दमोह धार सागर सतना झाबुआ कटनी रायसेन शिवपुरी में टमाटर बैतूल में काजू भिंड छिंदवाड़ा देवास ग्वालियर मुरैना उज्जैन इंदौर में आलू भोपाल श्योपुर में अमरूद बुरहानपुर में केला छतरपुरी व शहडोल में हल्दी जबलपुर में हरी मटर ठीक है मंदसौर रतलाम दतिया में लहसुन पन्ना में आंवला हरदा खरगोन में मिर्च होशंगाबाद में नींबू शाजापुर खंडवा में प्याज टीकमगढ़ निवाड़ी में अदरक की ग्रेडिंग सॉर्टिंग और आवश्यकता अनुसार राइपनिंग यानी पकाया जाएगा उनको कोल्ड स्टोरेज कोल्ड चेन सुविधा विकसित की जाएगी और ये जो सात हजार चार सौ चालीस करोड़ रुपए खर्च होना है वो इन्हीं प्रमुख चीजों पे पूरे और मध्य प्रदेश के अंदर खर्च होना है ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस चीज की ब्रांडिंग जो है वो किस किस जिले में होने वाली है ये महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है अगला प्रश्न है हाल ही में किस प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषि मिशन कार्यालय की स्थापना की गई है तो यह कार्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश में करी गई है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कृषि मिशन कार्यालय कृषि उत्पादों से संबंधित इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर कृषि मिशन कार्यालय की स्थापना की गई है इसमें कृषि सहकारिता मत्स्य पालन उद्यान की और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को पदस्थ किया जा रहा है यह मिशन अधिकतम दो करोड़ रुपए तक की क्रेडिट गारंटी लेगा जिसमें ब्याज तीन प्रतिशत की छूट का भी प्रावधान रहेगा यानी ब्याज पे अगर लोन लेते हैं तो तीन प्रतिशत की छूट मिलेगी यह मिशन राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट तथा तो सिंगल विंडो फैसिलिटी के रूप में कार्य करेगा यानी सिंगल विंडो का मतलब क्या होता है ये की विंडो पे आपको सारे सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएंगे आपको अलग अलग जगह नहीं जाना है आपको ऑफिस ऑफिस में ही खेलना है ठीक है पहले क्या होता था पहले ऑफिस ऑफिस खेलते थे अगर आप किसी ऑफिस में चले गए तो आप अगर एक छोटे से भी काम के लिए जा रहे हो तो हजार रुपए की पत्ती तो आपको चाहिए चाहिए सिंगल विंडो का क्या होता है एक ही विंडो से आपके सारे काम किए जा रहे हैं ठीक है ठीके? ये फंडा होता है इसका ठीक है और इसके तहत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना निवेश क्षेत्र एक्सपोर्ट क्लस्टर की पहचान जिला स्तर पर विस्तृत प्रशिक्षण गतिविधियों व सूचनाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना आदि कार्य इसके अंतर्गत किए जाएंगे सबसे बड़ी चीज है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके द्वारा पंद्रह बैंक से एमओयू किया गया है ठीक है ये आपको याद रखना है तो गाई जी पूरा था आज का करंट अफेयर का वीडियो थोड़ा सा अलग था चीजें काफी अलग थी वीडियो अच्छा लगा है लाइक जरूर करिए कमेंट करिए वीडियो को इसके अलावा वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को Thank you very much.